अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, टेक्नोलॉजी को लेकर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया है। यानी आपने सिंपल टेक्स्ट लिखना है और उसके रिलेटेड आपको पूरी वीडियो मिल जानी है। अगर आप चाहते हो कि आपके सामने कोई बंदा पढ़ रहा हो, सिंपल आपने टेक्स्ट लिखना है कि भाई एक बंदा चाहिए जो कि किताब पढ़ रहा है, आपको उसकी पूरी वीडियो खुद ब खुद बन के सामने आ जाएगी, जो कि 100% रियल लगती है कि एक जेन्युइन बंदा बैठा है। ये भी नहीं पता चलता कि भाई ये एक कंप्यूटर से जनरेट की गई है या फिर एक रियल बंदा वहाँ पर बैठा हुआ है। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, सिंपल आपने उसके रिलेटेड छोटा सा टेक्स्ट लिखना है, उसकी पूरी वीडियो बन के आपके सामने आ जानी है। आप लोग उसको अपनी एनिमेशन किसी भी वीडियो के अंदर, अपनी वीडियो के अंदर यूज़ करो, या फिर उसको लेकर पूरी एक मूवी बना दो और उसको अपलोड कर दो, सॉन्ग बना दो, कुछ भी बना दो। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ा धमाका समझ लें, क्योंकि इससे पहले हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो चैट GPT आया था, जिसके अंदर आप लोग सिंपल AI के साथ, समझ लें कि रोबोट के साथ अपनी चैट करते थे, उसको टेक्स्ट करते थे, वो आपको टेक्स्ट के अंदर ही जवाब देता था कि भाई मुझे ये वाला क्वेश्चन है उसका जवाब दो, उसी वक्त वो आपको वहाँ पर लिख के दे देता था। आप उसको अपनी स्टडी में किसी भी जगह उसको यूज़ कर सकते थे। लेकिन उसके बाद नया थोड़ा सा अपडेट हुआ, आप उसको टेक्स्ट करते थे और वहाँ पर आप लोग वहाँ पर उसकी पिक्चर बनाकर अपने सामने रख लेते थे। यानी आपको अपनी वीडियो के लिए किसी भी एक जगह पर, किसी सिचुएशन के रिलेटेड एक पूरी तस्वीर चाहिए, और वो वाला जो भी वहाँ पर एनवायरनमेंट वो आपकी मर्जी का हो, तो आप लोग उसको वहाँ पर टेक्स्ट करते थे, एक प्रॉम्प्ट देते थे कि भाई मुझे ये वाली तस्वीर चाहिए जिसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। उसी वक्त विद इन 1-2 सेकंड आपको उसके रिलेटेड पूरी तस्वीर बनाकर दे देता कि भाई ये लो ये तस्वीर, उसको अपने किसी भी जगह पर यूज़ कर लो, और वो कॉपीराइट फ्री होती हैं, आप उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका अपना प्रॉम्प्ट था, आपने खुद उसको जनरेट करवाया है, उसके रिलेटेड कोई और बंदा जनरेट करवा सकता है लेकिन वो डिफरेंट होगी। आप उसको तस्वीर को कहीं भी यूज़ कर लेते। लेकिन असल चीज़ अभी हुई है कि भाई वहाँ पर आप लोग टेक्स्ट दोगे और उसके बदले में आपको वीडियो मिलेगी, और ये अभी पॉसिबल हो रहा है जो OpenAI का सोरा फीचर, सोरा एक नया अपडेशन आई है, इसके अंदर आप लोग उसको टेक्स्ट दोगे और उसके रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। वो आपका कोई भी अपना एनवायरनमेंट है, अपनी वीडियो के रिलेटेड लेना चाहते हो, कोई बात कर रहे हो उसके रिलेटेड आपको चाहिए, अपने सिंपल आम सी जो आपकी इंग्लिश है उसी के अंदर उसको बता देना है, जैसे आप टूटी फूटी लिख सकते हो वो उसको समझ आएगा। अगर नहीं समझ आती तो 2-3 दफ़ा लिखें, आपके रिलेटेड पूरी वीडियो आपके सामने आ जाएगी, HD क्वालिटी के अंदर आएगी और हकीकत से बहुत करीब होगी। यानी कि कोई भी बंदा, आम इंसान उसको देख के ये वहाँ पर गैस नहीं कर पाएगा कि भाई ये जो वीडियो आपने वहाँ प्ले की है वो आपने किसी कंप्यूटर से जनरेट करवाई है या फिर रियलिटी है, कोई अपना कोई सीन है कि अपने मोबाइल से उसको रिकॉर्ड किया है या फिर सिंपल कंप्यूटर को देखकर एडिटिंग वगैरह की है। मुझे ये वाला फीचर बहुत ही अच्छा लगा है, बट किस तरह यूज़ करना है ना, इसके ऊपर मैं आपको कंप्लीट एक वीडियो बना दूंगा, ये छोटा सा कोर्स बना दूंगा, उसको अपलोड कर दूंगा फ्री के अंदर, जिसके अंदर हम सबसे पहले ChatGPT को कवर करेंगे कि भाई अगर आपने क्वेश्चन आंसरिंग करनी है, कोई अपना पेपर प्रिपेयर करना है, कोई भी असाइनमेंट वगैरह करनी है, तो हम किस तरह करते हैं फ्री के अंदर, तो हम चीज़ें फ्री वाली होंगी। और उसके बाद अगर आपने कोई तस्वीरें वगैरह बनानी है अपनी वीडियो में यूज़ करने के लिए, एनिमेशन करने के लिए, तो हम वीडियो अपनी तस्वीरों को किस तरह बनाएंगे सिंपल टेक्स्ट करके, और उसके अलावा हम उसको मैं कवर करेंगे कि भाई आपने ये वाला फीचर जो एक नया फीचर है, एक धमाकेदार फीचर है, कि भाई आपने टेक्स्ट किया वो आपको वीडियो मिलेगी, वो आप किस तरह बनाओगे, जो कि मोस्टली अभी तमाम चीज़ों को चेंज करके रखने वाला है। जो बंदे इतनी बड़ी बड़ी मूवी इतने बड़े टाइम में, बड़े बजट में बनाते थे, बहुत ही सिंपल अभी टेक्स्ट करके उसको वहाँ पर यूज़ करके बना सकते हैं। उनको बड़े बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं चाहिए होंगे, IT वाले बंदे अपना ही एक वीडियो बना सकते हैं, अपनी एक एनिमेशन बना सकते हैं, बिल्कुल अपने घर में बैठे हुए सिंपल एक अपने कीबोर्ड और अपने एक कंप्यूटर को यूज़ करते हुए। इसके रिलेटेड आपने ज़रूर इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, मेरे से सीख लें या किसी और बंदे से भी सीखने की कोशिश करें, बट ये फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अगर आपने इसके रिलेटेड अपने आप को अपडेट नहीं किया तो आप बाकी बंदों से बहुत पीछे रह जाओगे। मैं अभी आपको इन्फॉर्म इसलिए कर रहा हूँ कि भाई अभी स्टार्ट है, और जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है ना, उसमें आप उसको शुरुआत कर लेते हो, आप बहुत ही ऊपर चले जाते हो, फिर ऐसा ऐसा उसका कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वहाँ पर आपको जल्दी ग्रो नहीं मिलती। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो लोगों को सिखाना शुरू कर दें, अगर नॉलेज नहीं है तो इसको सीखें और अपनी वीडियो में इस्तेमाल करना शुरू करें, इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी ग्रो करोगे। मैं भी इसके ऊपर जल्दी वीडियो लेके आ जाऊंगा, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप कितना कमेंट करते हो, कितना लाइक करते हो, उस पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा सपोर्ट होगी उतनी जल्दी आपके सामने ये वाली पूरी वीडियो आ जाएगी कि भाई हमने इसको यूज़ किस तरह करना है असल में। अगर इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।